दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा WhatsApp से रिलेटेड है। अगर आप एक WhatsApp यूज़र हैं तो WhatsApp पर दोस्तों आप कुछ दिनों से एक प्रॉब्लम का फेस कर रहे होंगे। जैसे ही दोस्तों WhatsApp पर आपको कोई भी फ़ोटो या फिर इमेज सेंड करता है और अगर आप उस इमेज को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राउजिंग होने लगता है और ये बहुत समय तक रहता है और लास्ट में यहाँ पर एक पॉपअप आपको देखने को मिलता है जिसमें डाउनलोड फेल्ड लिखा हुआ रहता है, द डाउनलोड वॉज अनेबल टू कम्प्लीट, प्लीज़ ट्राई अगन लेटर। तो अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है व्हाट्सएप पर चैट में किसी भी फ़ोटो को डाउनलोड करने के लिए या कोई वीडियो डाउनलोड करने के लिए, तो दोस्तों उसे आप आसानी से कैसे फिक्स कर सकते हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे AK ऑनलाइन सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि इस चैनल पर जैसे ही मैं कोई नया टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करूँगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुँच सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं AK ऑनलाइन सपोर्ट तो फर्स्ट में ही आपको लिंक मिलेगा। हमारा एक वेबसाइट पेज है जहाँ पर आप डेली लाइफ में अप टू डेट रह सकते हैं और ढेर सारे यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर कोई चैट का फ़ोटो अगर आप डाउनलोड करते हैं तो नहीं डाउनलोड होता है तो कैसे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल फ़ोन का जो डाटा है, चाहे आप हॉटस्पॉट से यूज़ करते हैं चाहे आप मोबाइल डाटा को, आपको ऑफ़ कर दीजिएगा। वाईफाई से अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उसे ऑफ़ कर दीजिएगा, पहला काम ये आपको करना होगा। दूसरा काम दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होगा डबल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पर। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। जिस भी सिम कार्ड से आप अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं उस सिम कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे नेटवर्क मोड को सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे आप किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, चेंज करना है सिर्फ एक बार, जैसे कि 2G को सेलेक्ट कर सकते हैं या 3G को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर 3G 2G सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप लास्ट में 4G सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप बैक जाएंगे और आप अपने फ़ोन का डाटा को ऑन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैं WhatsApp को ओपन कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ये डाउनलोड हो चुका है क्योंकि पहले से मैंने यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रखा था। नेटवर्क जैसे ही कनेक्शन हुआ, जैसे ही नेटवर्क का कनेक्शन आया यहाँ पर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी अपने WhatsApp पर कोई आपको फ़ोटो भेजता है डाउनलोड नहीं होता है तो इस ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।